Hello everyone, welcome to Neha's Creativity. I hope you are doing really very well. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारी फर्स्ट आउटिंग मेरे इन-लॉज के साथ. तो अगर आप मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलें. तो आज हम लोग जा रहे हैं पुणे में दगड़ू सेठ हलवाई का मंदिर है गणपति बप्पा का. और आज एक्चुअली 5th नवरात्रे है तो यहाँ पे दुर्गा पूजा होती है खड़की में. तो वहाँ पे कालीबारी करके काफ़ी फेमस मंदिर है तो वहाँ पे जा रहे हैं. हम जब भी इंडिया विजिट करते हैं तो दगड़ू सेठ का मंदिर जो है गणपति बप्पा का हम ज़रूर जाते हैं. तो वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगता है. तो अभी हम लोग वहीं के लिए निकले हैं. पहले हम लोग जाएंगे खड़की काली माँ के मंदिर और फिर हम लोग जाएंगे दगड़ू सेठ. अनवित भी काफ़ी इंजॉय कर रहा है इंडिया ट्रिप. सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो ऐसे ओपनली खड़ा होता है और दिखता है बाहर कार से. तो हम लोग भी उसको थोड़ा फ्री छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे तो हमेशा कार सीट और सीट बेल्ट लगा के ही बैठता है. तो हम लोग खड़की पहुँच गए हैं और ये था वहाँ पे जो दरबार लगा हुआ था दुर्गा पूजा के लिए. तो काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी. तो हम लोगों ने कार पार्क की और हम लोग अभी दरबार देखने के लिए ही जा रहे हैं जो काली माँ का लगा है. अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं ली. बट बाहर से ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर था. आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर पंडाल लगा है. और यहाँ पर 7 days जो बाकी के डेज है, सॉरी 5-4 days, वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है. काफ़ी लोगों को बुलाया है कुछ कुछ इवेंट के लिए तो वो सब पूरा वहाँ पर लगा हुआ था. और इसी के ही बगल में जो ये आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है व्हाइट वाली, ये मेन मंदिर है काली माँ का. तो हम लोगों के दर्शन हो गए हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं दगड़ू सेठ गणपति बप्पा के मंदिर के लिए. तो काली माँ का जो मंदिर है वो यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट पास ही पड़ता है. तो हम लोग यूनिवर्सिटी, पुणे जो यूनिवर्सिटी है उसी को ही क्रॉस कर रहे हैं. तो वेदर इवनिंग का था तो काफ़ी अच्छा था. तो यूनिवर्सिटी भी काफ़ी एकदम नीट एंड क्लीन तो काफ़ी अच्छा लग रहा था निकलते हुए. तो हम लोग जब कार से जाते हैं तो GM रोड पर अपनी कार पार्क कर देते हैं और फिर वहाँ से ऑटो लेते हैं क्योंकि गाड़ी लेकर दगड़ू सेठ तक जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे ये थी अनवित की फर्स्ट ऑटो राइड इंडिया में. तो उसने काफ़ी इन्जॉय की. तो बाहर देख रहा था और इधर उधर से उसको हवा लग रही थी तो उसकी फर्स्ट राइड थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था. और अभी हम लोग जिस मार्केट से क्रॉस हो रहे हैं तो वो है बुक का मार्केट. जैसे पुरानी दिल्ली में बुक का मार्केट है तो मैं उसका भी नाम भूल गई हूँ. तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक पुरानी सड़क है पुरानी दिल्ली में तो ऐसे ही यहाँ पे ये वाला मार्केट है. तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं दगड़ू सेठ हलवाई के मंदिर और आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे ट्रैफिक है. तो ये था वहाँ का बाहर का लुक. और एज यूजल अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी तो मैंने नहीं ली. तो ऐसे जहाँ पे अलाउ नहीं होता फोटोग्राफी मैं नहीं करती हूँ. और हमारा मंदिर का काम हुआ तो वहाँ पे पास में एक शॉप थी साड़ी की. तो मैंने अपनी मदर और मदर इन लॉ के लिए साड़ीज़ ली वहाँ से. बहुत ही अच्छा कलेक्शन था कॉटन साड़ीज़ का. तो मन कर रहा था कि काफ़ी कुछ ले लो लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं था. तो लेकिन काफ़ी कुछ देखी और फिर मैंने वहाँ से साड़ी लिया. शॉप के ओनर भी काफ़ी अच्छे थे और शॉप का नाम था नूतन साड़ीज़ करके. तो कलेक्शन अच्छा था. अगर कुछ लोग पुणे रहते हैं तो वो एक बार विज़िट कर सकते हैं. हम लोगों की साड़ी शॉपिंग हुई उसके बाद हम लोग आए जहाँ पे हम लोगों ने अपनी कार पार्क की थी. और वहाँ से लाइटिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी तो अनवित ने थोड़ा देर वहाँ पे प्ले किया क्योंकि थक गया था वो भी गोद में.
और उसके बाद हम लोग गए हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, दालचीनी, लेकिन उसका भी नाम चेंज हो गया है, सिल्क रूट कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी आते हैं तो खाना खाने एक बार जरूर जाते हैं। और ये था हमारा फर्स्ट डे रेस्टोरेंट का, इंडिया विजिट का। तो मेरा बहुत टाइम से मन था इंडो चाइनीज़ खाने का, मंचूरियन और नूडल्स, क्योंकि इंडिया में जो मंचूरियन मिलता है उसकी बात ही अलग है, उसका टेस्ट हम लोग बीट नहीं कर सकते इंडो चाइनीज़ का। तो ऐसे खाना इंजॉय किया, और कुछ भी कहें रेस्टोरेंट का खाना रेस्टोरेंट का ही होता है, हम लोग घर पे वैसा कुक नहीं कर सकते। एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हम लोग घर पे वैसा टेस्ट नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने इंजॉय किया अपना फूड। खाना कंप्लीट हुआ और ये थी इंडिया की फैसिलिटी जो कि इंडिया में अवेलेबल है, फिंगर बाउल्स, क्योंकि कहीं भी जाओ ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी नेक्स्ट डे हो गया है और कल हम लोगों को आते आते काफ़ी देर हो गई थी। तो डिनर किया और थोड़ा हम लोगों ने आसपास का जो एरिया था वो ऐसे ही घूम रहे थे, और घर आते हुए काफ़ी लेट हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे कल ही बात करूंगी। तो बस अभी आज मेरा मन था साड़ी पहनने का, तो मैंने ऐसे साड़ी पहना और यहाँ पे मैं ऐसे साड़ी पहन के अपना शौक पूरा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और यूके में मैं उतना ज़्यादा पहन नहीं पाती हूँ क्योंकि अनवित के साथ बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। तो बस कल मैंने कुछ साड़ी का शॉपिंग भी किया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपनी मदर के लिए और मदरलों के लिए कौन कौन सी कैसे कैसे साड़ी ली है। तो नेक्स्ट डे अच्छे से दिखा दूँगी। और अनवित अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा है क्योंकि हम उसको काऊ मिल्क दे रहे हैं और भगवान की दुआ से उसको काऊ मिल्क थोड़ा सा सूट कर रहा है। तो उसको मैं बिना मिल्क के नहीं रख सकती क्योंकि उसको थोड़ा सा मिल्क पीने का हैबिट है, तो वो 1 बोतल लेता है मॉर्निंग में भी, और रात में अगर कभी उठता है रोता है जिससे जल्दी सो जाता है, डिनर नहीं करता, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको संभालना। तो इसलिए हम लोगों ने काऊ मिल्क शुरू किया और उसको अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है, और अभी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं अपना इंडिया ट्रिप फैमिली के साथ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही मैं आपको अपने छोटे छोटे ब्लॉग्स शेयर करते रहूँगी, तो आपको भी देख के अच्छा लगेगा कि मैं इंडिया में कैसे रहती हूँ। तो ऐसे मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है साड़ी पहनने का, मेरे इन लॉज बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, तो मैं कुछ भी पहनती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो कुछ भी मना नहीं करते हैं। तो ये मेरे सब अपने ही शौक़ हैं जो मैं पूरे करती हूँ यहाँ पे आके, मतलब इंडियन शौक। जैसे मैंने शूटिंग की और अनवित को एप्पल एप्पल दे के आई थी कि वो खाएगा बैठ के, लेकिन उसको पता चल गया कि मम्मी शूटिंग कर रही है तो आ गया डिस्टर्ब करने के लिए। तो बस मैं अभी आपको दिखाती हूँ सबसे पहले अपनी साड़ी का शॉपिंग। ये है मेरी आज की साड़ी की एक ग्लिम्स, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने बहुत जल्दी ड्रेप किया, एक्चुअली थोड़ा सा हैबिट छूट गई है साड़ी ड्रेप करने का। तो ये मैंने 4 साड़ी ली हैं, तो मैं इनकी आपको एक ग्लिम्स दिखा देती हूँ, बाकी मैं अभी आपको ओपन करके भी दिखाऊंगी। तो सब साड़ी बॉर्डर वाली हैं और ब्लाउज़ पीसेस भी सब साड़ी में हैं और पल्लू भी सब साड़ी के बहुत सुंदर हैं। ये वाली जो साड़ी हैं इनका जो मटेरियल है वो है चंदेरी कॉटन, तो चंदेरी कॉटन काफ़ी अच्छी होती है, जैसे चंदेरी सिल्क होती है तो ऐसे चंदेरी कॉटन भी होती है। इन सभी साड़ीज़ के बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और मुझे हमेशा बॉर्डर वाली साड़ीज़ पसंद आती हैं, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर बॉर्डर हैं इनके। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी जो मैंने अपनी मोम और मोम इन लॉ के लिए की है।
तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।